नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, कई देवी देवताओं का वास होने के कारण उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट नाम के स्थान पर माता कालिका विराजती हैं, जिन्हें हाट कालिका के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। देश विदेश के कई क्षेत्रों से माता कालिका के भक्त इस मंदिर में आते हैं और माँ कालिका का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। देवदार के पेड़ों से घिरे हुए इस मंदिर की स्थापना एक शांत वातावरण में की गई है, जिससे यहाँ पर बहुत ही शांति का अनुभव होता है। हाट कालिका मैया भारतीय सेना की सबसे पराक्रमी कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी है। इसी कारण इस मंदिर के मुख्य द्वार पर कुमाऊं रेजिमेंट का सिंबल देखने को मिलता है। हाट कालिका मैया की कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। एक बार युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी पानी के जहाज से कहीं जा रही थी। इसी दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई और जहाज डूबने लगा। सैनिकों से कहा गया कि आपका अंतिम समय आ गया है, तो आप अपने अपने भगवानों को याद कर लीजिए। अपनी मृत्यु को करीब देखकर सभी सैनिक बहुत डर गए थे। पिथौरागढ़ का एक जवान भी टुकड़ी में शामिल था। पिथौरागढ़ के जवान ने जब मदद के लिए माता कालिका का आह्वान किया, तो देखते ही देखते डूबता हुआ जहाज किनारे लग गया और तब से ही माता कालिका कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी बन गई। युद्ध में विजयी होने के पश्चात कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने अष्ट धातु से बना हुआ एक घंटा युद्ध क्षेत्र से इस मंदिर तक पैदल ही आकर माता को समर्पित किया। युद्ध से पहले अगर कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक माता कालिका का उद्घोष करते हैं, तो उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। इसलिए युद्ध से पहले कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक कालिका माता की जय का उद्घोष करते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट और सेना के जवानों द्वारा जगह जगह पर मंदिर में विकास कार्य किए गए हैं। मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक है कि माता ने इस स्थान पर सोमिया नाम के दैत्य का वध किया था। वहीं दूसरी कथा के अनुसार इस स्थान में माता ने महिषासुर और रक्तबीज जैसे राक्षसों का वध किया था। इस स्थान के बारे में एक प्रथा सदियों से प्रचलित है। माना जाता है मंदिर के पुजारी शाम के समय माता के लिए बिस्तर लगाते हैं और जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो बिस्तर पर सिलवटें पड़ी रहती हैं। ऐसा माना जाता है महाकाली रात्रि में इस स्थान पर विश्राम करती है। यदि कोई सच्चे मन से इस स्थान पर आकर माता की आराधना करता है, तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और दबाइए बेल आइकन। धन्यवाद।